नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर। आज हम करने वाले हैं लद्दाख लगेज फिट। एक्चुअल में मेरा एक राइड का प्रोग्राम हो चुका है, मैं एक राइड पे जाने वाला हूँ। बहुत जल्दी आपको बताऊंगा कि कौन सी वो राइड है। उससे भी पहले, जैसे मैंने अपनी गाड़ी में लद्दाख लगेज लगा रखा है, ये तो हुई हिमालयन, साथ में मेरे जा रही है क्लासिक। तो क्लासिक में लगाने वाले हैं लद्दाख लगेज। और ये कितने का पड़ेगा, कैसे इसको फिट करना है, वो हम देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं इस वीडियो के जो स्पॉन्सर है वो Banggood.com है। और Banggood.com की तरफ से मेरे पास एक एक्शन कैमरा है, काफ़ी बढ़िया, क्योंकि राइड के दौरान पे एक कैमरे का होना भी बहुत ज़रूरी है। और जो अफोर्ड, मतलब जो बड़े कैमरा होते हैं जैसे कि GoPro लाइक, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये एक्शन कैमरा बहुत बढ़िया है। तो अभी आगे जाके इसकी एक बार वीडियो क्वालिटी दिखाते हैं और साउंड क्वालिटी आपको सुनाते हैं। होगा 10 किलो लगभग, 10 किलो से अप ही रहेगा मेरे ख्याल से, 10 किलो से। ठीक है, तो बाय द वे मैं बता देता हूँ, ये है बंटी बाजी, अपने बंटी ग्रेशन, एंड इनका फोटोग्राफी में ऑसम है। डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, ये इनका एक यूट्यूब चैनल भी है और फोटो अल्टीमेट कहते हैं। तो मैंने क्यों ना बंटी बाजी के साथ जाते हैं, एक दो फोटो हम भी अपने इंस्टाग्राम पे डाल देंगे। बाय द वे अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मोनू सागर करके इंस्टाग्राम पे जाइए, फॉलो कर लीजिए। तो ये कुछ इस तरीके से फिट होगा। इसके बाद इसमें आते हैं डंडे, और वो डंडे ये रहे, और इनको फिट करना है इन बोल्ट के साथ में। और जब भी आप ये लद्दाख लगेज लगवाएं, ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का लगवाएं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी रहेगा तो सामान आपका सेफ रहेगा, टूटने का खतरा या जो इसके जॉइंट होते हैं जॉइंट से बचे रहेंगे। तो अभी आपको दिखने लगेगा कैरियर टाइप का। अब सबसे मेन है कि इसको फिट कैसे करना है और कहां कहां पर इसको टाइट करना है, जिससे हमारी पकड़ काफ़ी अच्छी रहे और मजबूती काफ़ी अच्छी रहे। तो एक बार मैं आपको इधर गाड़ी में दिखा देता हूँ। पहले हमें यहाँ पर शॉकर के ऊपर वाले बोल्ट में टाइट करना है, यहाँ टाइट करना है और एक इसके साथ सपोर्ट देनी है। तो वो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि कैसे करना है। तो चलिए अब इसको फिट करके देखते हैं। फिट करने के लिए हमें आराम से बिल्कुल अंदर लेकर आना है, बॉडी में कहीं निशान ना लगे। उसके बाद यहाँ देखिए इधर साइड से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला हमारा ऊपर की साइड में जो शॉकर का ऊपर का बोल्ट होता है उसमें हमें टाइट कर देना है, पूरा टाइट नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा। उसके बाद यहाँ पर नीचे का देखिए, यहाँ पर दूसरा बोल्ट है, इसको इसके अंदर फिट कर देना है और इसको पूरा टाइट नहीं करना है जब तक पूरा हमारा सेट बैठ ना जाए। क्योंकि हमें पूरे सारे नट बोल्ट टाइट कर लगाने हैं, पहले फिट कर देने हैं और उसके बाद इसको टाइट करना है। तो दो तो बोल्ट टाइट हो गए हमारे और तीसरा हमारा यहाँ पर टाइट होगा, तो वो अभी आगे दिखाएंगे कैसे टाइट करना है। उससे पहले दूसरी साइड चलते हैं, वहाँ पर इसको बहुत ही ईजी आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। बस इसके बाद हमें यहाँ नीचे वापस आ जाना है और नीचे वाले बोल्ट को ऊपर को, और ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम देखेंगे इसकी टेस्टिंग करके कि ये कितना वेट हमारा सहन कर सकता है। तो एक बार इसको पूरा टाइट कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ये हमारा कितना वेट सहन कर सकता है और क्या ये लद्दाख लाइक है या नहीं। तो पहले इसको अच्छे से पूरा फिट कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी क्वालिटी कि क्या ये फिटिंग अच्छे से हुई है और इस कैमरे की क्वालिटी। तो चलिए देखिए फिटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से, देखिए एक माउंट यहाँ पर है, यहाँ पर दूसरा माउंट, तीसरा, दोनों साइड से तीन और तीन छह जगह से माउंट कर रखा है। अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर कितना वजन डाल सकते हैं हम और आराम से, वजन बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। देखिए एक बार गाड़ी को पकड़ लो, अगर गिरेगी तो हम गिर सकते हैं। तो देखिए नॉर्मली आराम से हम इसके ऊपर खड़े भी हो जाते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और
70-80 किलो आराम से बिल्कुल वजन देखिए बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गया है। तो अगर आपको ये खरीदना है तो लिंक मिलेगा वहाँ से खरीद सकते हैं, और अगर आपको बैंगलोर का ये एक्शन कैमरा चाहिए तो इसको खरीद सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस टाइप के नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं आपसे। तो 4K अल्ट्रा HD और उसके साथ आता है एक टिगर, और अब हम इसको खोल के देखेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, जो मतलब जो इसकी एसेसरीज होती हैं उसमें हमें क्या क्या मिल जाता है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे माउंट हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ माउंट हैं, आप कहीं पे भी इसको सेट कर सकते हैं। उसके साथ मिल जाती है इसकी चार्जर केबल, चार्जर मिल जाता है, और मिल जाती है एक बेल्ट जिसको आप कैरी कर सकते हैं अपने हाथ में बांध के, कहीं ये खो या गिर ना जाए। तो अब हम देखते हैं अगला शॉट गाड़ी पे इसको आगे की इसकी क्वालिटी कैसी है और इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। आपके नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।